ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ ਦੇ ਧਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखिए, रिज की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और हर बार जब बरसात का मौसम होता है तो हर बार जो वहाँ पर दरारें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो है अभी कुछ पिछले वाले हाउस में हम लोगों ने जो 35 लाख का एक एस्टिमेट बनाया था स्पेशल रिज के लिए, ताकि ये धसे ना, इसके लिए हम लोगों काफ़ी समय से काम करें। रिज मैदान से साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक वड्डी मूर्ति लाने की तैयारी है, पर उसी जगह पर रिज का हिस्सा धस गया है। नगर निगम का दावा है कि मीं रुकने के बाद रिज की मरम्मत का काम शुरू होगा। यहाँ पर जो है अटल जी की प्रतिमा भी लगनी है, उसको भी हम लोग जो है उसमें भी काम कर रहे हैं और नगर निगम अपनी जो है भूमिका वो भी अच्छे से निभा रहा है, क्योंकि अगर इस बार अभी रिटेनिंग वॉल अगर हम लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भी आने वाले समय में जो है रिज कभी धसेगा। जिस जगह पर रिज का हिस्सा धस गया है उसके ठीक थले शिमला की मशहूर तिब्बती मार्केट भी है, जिथे एक वड्डे हादसे का खतरा बनिया होया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।